अभी मैं बलिया प्रखंड के भवानंदपुर पंचायत में हूँ और यहाँ एक प्रत्याशी से हमारी मुलाकात हुई है। बबीता देवी इनके पत्नी जो हैं मुखिया पद के लिए यहाँ से नामांकन कराया है। मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि ये भवानंदपुर पंचायत में 10 वार्ड हैं और 10 वार्ड में वोटरों की संख्या 6000 समथिंग है कुछ, और इस 10 वार्ड में लगभग 8 प्रत्याशी मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो स्थिति क्या है, मैं मिल लेता हूं इनसे। क्या नाम हो सर आपका? दिनेश महतो सर। सबसे पहले हम आपका दिनेश जी स्वागत करते हैं बीटी न्यूज में, और आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि चुनाव लड़ने की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? चुनाव लड़ने की ये महसूस हुई जो मेरा जनता को जो काम आता है जनता पास नहीं पहुँच पाता, जनता लड़ाइत में रहता है, जिसे जो काम है कोनो काम होता मुखिया मनमानी करता है, किसी के समझता नहीं है। मुखिया किसी को समझते नहीं है कि आम लोग हैं? आम लोग नहीं समझते हैं। नहीं नहीं, हमको तो गधा घोड़ा सब जनता समझते हैं, तो जनता अब की बार उसको जवाब देगा। अच्छा, ये भवानंदपुर में 10 वार्ड में 6000 वोटर हैं। हाँ। और उसमें आप 8 कैंडिडेट खड़े हैं मुखिया पद के लिए, लोग वोट आपको ही क्यों करेगा? वो किसी काम जब होता है सामाजिक तो हम दौड़ कर आते हैं, कोई मरता है तब भी, रात को कोई एक्सीडेंट होता है तब भी, कोई गंगा में डूबता है तब भी, गाड़ी पलटता है तब भी, जहाँ जो जरूरत होता है वहाँ पहुँचता है। इसलिए आपको लगता है कि सामाजिक काम में आप रहते हैं तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए? हाँ, जिम्मेदारी हमको लेने चाहिए, जनता लोग भी बोला आप खड़ा हुई हम आपको साथ। अच्छा, जनता के कहने के बाद आप आए? हाँ, हम अपना मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता हमको खड़ा किया, जनता क्या निर्णय लेगा वो जनता जानेगा, हम नहीं जानेगा। वो जनता के जीत हो गई तो मेरी भी जीत होगी, जनता का हार होगा तो मेरा भी हार। बिल्कुल ठीक बात है दिनेश जी, ऐसा कहा गया है। इस बार देखा भी जा रहा है कि इस बार प्रत्याशी चुनाव कम और जनता चुनाव ज्यादा लड़ रही है। हाँ, तो जनता अपना अथी करेगी। हाँ, अच्छा, पिछले 5 साल में जो आपके पंचायत में काम हुआ उससे कितना संतुष्ट हुए आप? 75% नहीं संतुष्ट हुई है, 25% संतुष्ट है। 75% संतुष्टि नहीं? नहीं, नाला जो बनी। अच्छा, आप लोग को मिला है संतुष्टि काम से? नहीं 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 मिला है। क्या चाहते हैं इस बार? दिनेश महतो को चाहते हैं मुखिया बनाना। सारे बोलो दिनेश महतो को। अच्छा दिनेश महतो जी, ये सारे लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और परिवर्तन अगर हो जाता है, जनता आपको जिम्मेदारी दे देती है, तो पहला काम आप क्या कीजिएगा? पहला काम करेंगे, जनता से मिलेंगे, जो जनता आप दीजिएगा उसको घर घर में पहुंचाना है। जैसे कोई काम होता है मिलता नहीं, बड़का बाबू के पास लगे बंदे हम आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। छोट जैसे हम सब गरीब लोग हैं, जो दबंग लोग हैं तो दबंगे लोग के पास रहते हैं मुखिया जो बनते हैं, तो गरीब जो लोग इतना बेकल है, जो गरीब लोग हमारा बने, गरीब लोग मेरा साथ दे, इसीलिए इतना जनता बेकल है। और विशेष बात इसमें मतलब ये स्थिति ये है कि कुछ लोगों के ही मुखिया बन करके रह गए क्या पिछले? हाँ हाँ, सारे लोग को काम नहीं, नहीं। कहीं काम नहीं, जाके देख लीजिए, प्रधानमंत्री के पास है, जो अपना काम होता है इधर उधर हुआ दिया चलते रह गया, कोई किसी से मतलब नहीं। घर में आग लगा से नहीं पहुंचा मुखिया हुआ। क्या बोले? घर में जो आग लगा हुआ नहीं मुखिया पहुंचा है। अच्छा। हाँ, सिमनगर में ना कुछ नहीं मिला है। हमारे घर में अभी इधर ने दरखास्त दिए, वो सब गायब हो गया, कुछ नहीं मिला है। दो बार आग लगा है, एक बार के कौन के, दो बार आग लगा है। दो बार अभी हम निशान बताएंगे उस। इस तरीके की परेशानी को आप कैसे दूर करेंगे? जरूर परेशानी, जब हम जीतेंगे हमको जिताएगा, रोड पर उतर को जाम करके आपसे मैं अपना अधिकार मांगूंगा, रोड भी खाली नहीं छोड़ूंगा। जब जनता मुझे जिताएगा, जैसे ब्लॉक देगा काम, आप जैसे है जिसे जो देगा, हम सब जनता की विनती करके पहुंचाऊंगा। मतलब आम सभा लगानी है, प्रोग्राम काम करें। हाँ,
महीना में दो बार मीटिंग करेंगे। अच्छा, आपके यहाँ आम सभा लगाया गया था? कभी नहीं, पूछ लीजिए। कभी नहीं, पाँच साल का, पाँच साल का दस्तखत होता है, मर्जी दस्तखत करके भेज देता है तो नहीं। अच्छा, कागजे पर दस्तखत होता है, कागजे पर हो जाता है। आप अपनी जनता से कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए। जनता से कहना चाहेंगे, जो यही सब जो बाबू लोग हैं, हमको तो उतारे, आप यही सब समझेंगे, हम क्या कहेंगे, बार बार एक ही चीज़ की रिपीट करेंगे। जनता से सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप लाए हैं तो आप समझिए। हाँ हाँ, हम नहीं समझेंगे, जनता समझेगा ये सब, जितना मेरे पास जनता है वो समझेगा, हम तो कुछ नहीं है। जनता चाहेगा तो ला देगा, जिता देगा तो इसको सेवा मिलेगा, नहीं जिताएगा तो फिर गुलाम बनेगा। ये देश आज़ाद है, ये पंचायत आज़ाद नहीं हुआ है। जितना पंचायत है आज तक पंचायत आज़ाद नहीं हुआ, ये जनता पंचायत का आज़ाद नहीं है, ये गुलाम है। भवानंदपुर के जनता गुलाम है, देखा जाए। आज़ादी दिलानी नहीं होगी? हाँ, हम आज़ादी देगा दिलाएंगे, जीतेगा तैयो, नहीं जीतेगा तैयो, हम संघर्ष अब करते रहे, संघर्ष करते रहे। हाँ, अच्छा एक बात बताइए कि भवानंदपुर पंचायत की प्रमुख समस्या क्या है? प्रमुख समस्या तभी है जो कटाव, अब हम गंगा में जाने वाला है, गंगा में जाने वाला है, अब रुकेगा कि नहीं रुकेगा तो आपके काम है। हम जब जीतेगा तब ने ब्लॉकों में जाम करेगा, इस नलो सड़क है तब ने जाम करेंगे, हमको जनता साथ देगा तब ने जाम करेंगे। हम अपना प्रयास रखेंगे जो इलेक्शन के बाद फिर 200-400 ले कर आपको भाई की बुलाकर हम इस बात को रखेंगे। कटाव मुख्य समस्या। हाँ, कटाव मुख्य समस्या। हाँ, शिक्षा की कैसी स्थिति है? शिक्षा सब खत्म है, गरीबों के बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा, गरीब का पैसा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई स्थिति नहीं है। गरीब में जाइए, जिसको बाबू लोग का पैसा है तो अपना बच्चा में कॉन्वेंट में पढ़ाता है, हम जो रोड छाप है हम अपना बच्चा के स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ ताश खेलते हैं, ताश खेलते हैं। हाँ, मेरा जितना गरीब का बच्चा है ताश खेलते हैं। अब शिक्षक लोग क्या करते हैं फिर? शिक्षक लोग अपना मजा लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब रहेगा, नींद मारते हैं कुर्सी पे। बच्चों का भविष्य से कोई मतलब, भविष्य के बच्चों को नहीं, सरकारी में जाके देख लीजिए कितना बच्चा है, क्या होता है, खाली है सरकार चला दिया खाना, खाना के गम में भुला दिया, बच्चा के भविष्य बर्बाद कर दिया, भविष्य बच्चा के बर्बाद हो गया, गरीबों का भविष्य सबका बर्बाद है। बाबू लोग जितने पैसे वाले हैं उसका भविष्य तैयार है, मेरा जितना भाई माता और बहन जितना गरीबों है उसका भविष्य चला गया, हम लोग जी नहीं पा रहे, जीने का मेरा सब लोग अधिकार दिलाइए, अधिकार दिलाना। हाँ, 126 बीघा खेत मां दलित को जो पर्चाधारी में था उसमें मैं अपना जान देने के लिए तैयार हो गया, ट्रैक्टर धन बल से 126 बीघा खेत पर्चाधारी के लड़ाई करके दिलवाया। पूछिए दलित, 126 बीघा जमीन कुछ होता है? सरकार भले मदद किया तो मैं भी मदद किया, पता कीजिए, औरत के बुलाइए, वो सब पर्चाधारी आइए बनारसी भैया पूछिए, नहीं साथ दिए, हम कोई मुखिया सरपंच नहीं फिर भी साथ दिए, ये पर्चाधारी है पूछिए आप। आप पर्चाधारी हैं, आपको जमीन मिला, इधर आइए, सच के बोलिए, आपको जमीन मिला? जी हाँ मिला है। कौन दिलवाया? और उधर के थे नेता भी मिल के, सब मिल के दिलवाए, सब मिल करके दिलवाए। चलिए, अच्छा एक चीज़ और मुखिया जी, दिनेश जी, इतने सारे लोगों का भरोसा अब आपके कंधे पर जा रहा है, मुखिया का पद बड़ा पैसे कौड़ी के लेन देन से संबंधित होता है तो बदनामी होने की डर भी होती है, आप न चाहते हुए भी काजल की कोठली में बैठते हैं जहाँ से आप सबको खुश नहीं रख सकते,
हर आदमी को परिवार में खुश नहीं रखा जा सकता है, इतना बड़ा पंचायत है। अगर ज्यादातर आदमी खुश होंगे तो कुछ न कुछ दुखी भी रहते हैं। इस परिस्थिति को कैसे आप देखिए? सुनिए, परिस्थिति सबको देख खुश नहीं हम कर सकते हैं, तो रोज सबसे मिल के उसको खुश कर सकते हैं। 24 घंटा यदि उनकी जनता मुझे जिता देगी तो हर गली में, हर पोल पर, हर चौराहे पर मेरा नंबर रहेगा। 24 घंटा कोई माता बहन का बीमारी से कोनो बात से दिक्कत हुआ तो 24 घंटा में कॉल करेगा तो वहाँ दिनेश हाजिर रहेगा। हाजिर, बहुत बड़ी बात कही है दिनेश जी ने। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि यहाँ पे आज भी जनता गुलाम है, और ये बहुत बड़ी बात कही है। कहीं ना कहीं ये बात तो तय है कि जनता में रोष है। गरीब लोग जो हैं वो अपने बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, सरकार की योजनाएं उनके चौखट तक नहीं पहुंचाई जा रही है, तमाम तरह की बातें निकल करके सामने आई है। लेकिन देखना ये होगा कि भवानंदपुर की जनता, अगर उन्हें लगता है कि मैं गुलाम हूं तो उस गुलामी की जंजीर को जरूर तोड़ना चाहिए, अगर नहीं वो आज़ाद हैं तो आज़ादी के साथ उन्हें उनको ही वोट करना चाहिए जो इस पंचायत के काबिलियत रखता हो, इस पंचायत को चलाने की काबिलियत रखता हो।